प्रयागराज में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। बड़े हनुमान जी का मंदिर बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया है। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी से बाहर है। कैलाशपुरी इलाके में भी गंगा यमुना का पानी घुस गया है। नैनी और फाफामऊ के रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और यमुना दोनों नदियां। टीवी 9 की टीम इस समय पहुंची है प्रयागराज के श्री हनुमान बड़े हनुमान मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण ये जो पूरे जो हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान मंदिर है, पूरा मंदिर जो है वो डूब चुका है। और आपको कहीं पर भी जो प्रयागराज की पहचान है, कहा जाता है कि प्रयागराज अगर आप आए हैं और आपने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी पूरी जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन इस समय मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बढ़ता जा रहा है और प्रयागराज में जैसे आपको दिखाया हमने कि टीवी 9 की टीम लगातार दिखा रही है कि प्रयागराज में बाढ़ की क्या स्थिति है। तो उसी के चलते अब हम यहां पहुंच चुके हैं बड़े हनुमान मंदिर के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हनुमान की जी की जो मूर्ति है, जो लेटे हुए हनुमान जी है, वो आपको यहाँ पर अब कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे हनुमान की जी की जो मंदिर है वो पूरा मंदिर पानी में डूब चुका है। ये जहाँ पर आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेन हनुमान मंदिर का ये गेट है और इसी गेट के नीचे जो लेटे हुए हनुमान जी हैं वो इसी के नीचे लेटे हुए हनुमान जी हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा जो मंदिर है वो पूरी तरीके से बाढ़ के कारण डूब चुका है। हालांकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूरा एरिया है इसको ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित है और इसलिए यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे पुख्ता इंतज़ाम किए हैं कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी इंतज़ाम किए हैं और साथ ही यहाँ पे जो श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं वो चाहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन कर लिए जाएं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे जो मंदिर है, पूरा मंदिर पानी में डूब चुका है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु लेकिन अभी भी आ रहे हैं, उनको यहाँ पर अब चाहे किसी भी आने की इजाज़त नहीं है। पीछे जो आप बैरिकेड्स वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं और अगर कोई आदमी, कोई श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचता है तो उसको इसके आगे आने की इजाज़त नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से साफ है कि प्रयागराज में हनुमान मंदिर, जो प्रयागराज की पहचान बनाए जाते हैं, आस्था का प्रतीक है, लोग यहाँ पर सर झुकाते हैं आके, वो हनुमान मंदिर पूरी तरीके से डूब चुके हैं बाढ़ के कारण। ये तो हुई प्रयागराज की बात, अब आपको पाकिस्तान ले चलते हैं जहां बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से अब तक 1200 लोगों की मौत हो गई है। करीब 2 लाख घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बाढ़ से करीब 20 लाख एकड़ में फैली फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इंडस नदी में रेस्क्यू बोट पलट गई है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हर तरफ पानी दिखाई दे रहा है। इंडस नदी में बोट भी पलट गई, रेस्क्यू बोट जो मदद पहुंचाने के लिए गई थी, और 13 लोगों की माफ कीजिएगा मौत हो गई। बाढ़ से करीब 20 लाख एकड़ में जो फैली फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। पाकिस्तान में वैसे ही पहले महंगाई और अर्थव्यवस्था उनकी पटरी से उतरी हुई है, उसकी वजह से समस्याएं लोगों के सामने थी, उस पर इस बाढ़ ने हालात और ख़राब कर दिए हैं। अब हम आपको पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये 4 तस्वीरें, यहाँ बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक, सिंध से लेकर कराची तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में औसतन 385 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से कहीं ज़्यादा है। बलूचिस्तान में सामान्य से 500% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि सिंध में सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। यहाँ सामान्य से 784% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी बाढ़ से बड़ा इलाका जलमग्न है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हालात यह है कि यहां बाढ़ की वजह से भारी खाद्य संकट पैदा हो गया है। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों बेघर हुए हैं।
हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए गुलाम अब्बास जुड़ गए हैं सीधे पाकिस्तान से। गुलाम अब्बास, आपसे मैं जानना चाहूंगी, फिलहाल पहले तो जो अभी का अपडेट है वो क्या है, किस तरह के हालात हैं अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से? देखिए सुमेरा, बहुत बुरे हालात हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ना सिर्फ पहाड़ जो है उनके ग्लेशियर्स गिर गए, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं, हर चीज बह गई है और इतने बुरे हालात हैं कि आप सिर्फ हम ये कंसीड बता ही सकते हैं। बहुत कम इलाके ऐसे हैं कि जहां पर खुश्की है। सारे पाकिस्तान के मेजर इलाके जो 70% पाकिस्तान है वो पानी में डूबा हुआ है। 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों घर तबाह हो चुके हैं, तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इससे अफेक्ट हुए हैं। इतनी बर्बादी के बाद प्रशासन क्या कर रहा है? इतनी बर्बादी हो चुकी है, प्रशासन क्या कर रहा है पाकिस्तान का? जी जी, पाकिस्तान की सरकार इस समय कोशिशें कर रही है, रिलीफ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जगह जगह जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज केपी में मौजूद थे और यूएन चीफ जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो भी नेक्स्ट वीकेंड पे पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी को लेकर के अब तक 1,30,00,000,000 रुपए की इंटरनेशनल जो इमदाद है वो भी ऐलान हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं अभी, सबसे बड़ा मसला जो समेरा और आप दोनों को मैं बताऊं कि सबसे बड़ा मसला यह है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उसके बाद उससे बड़ा मसला है कि उनको खाने की चीजें पहुंचाई जाएं और उसके बाद एक नया इम्तिहान पाकिस्तान का शुरू होगा जब रिहैबिलिटेशन शुरू होगी, यहाँ पे दोबारा इनको बसाने की बात होगी। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही है। 2010 में सैलाब आया था, उससे भी बड़ा बाढ़ है। बिल्कुल गुलाम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान में बुरे हालात हैं इस वक्त, पाकिस्तान बाढ़ के हालात से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उस पर नजर भी बनाए हुए, मदद भी पहुंचाने की बात लगातार की जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बलूचिस्तान में भी बाढ़ से हाहाकार है, सैलाब में अब तक 250 लोगों की मौत हो गई है, पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में पिछले 15 दिनों से जारी है भारी बारिश, बाढ़ बारिश की वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है। नसीराबाद रेलवे स्टेशन ट्रैक पूरी तरह से पानी में बह गया, हरक रेलवे ब्रिज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए।